फ्रेंड्स, वेलकम बैक, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू एंड या हैप्पी दिवाली ऑल्सो, क्योंकि ये वीडियो जाते जाते धनतेरस खत्म हो जाएगा एंड दिवाली भी खत्म हो जाएगा, बट डेफिनेटली आई कैन विश एनी टाइम एंड मेनी मोस्ट ऑफ यू लव दिस आइडिया कि पायल लाइक आप लोग सबने ही बोला कि पायल बहुत ही अच्छा लग रहा है दिस फ्यूजन आइडिया, सो थैंक यू सो मच एंड मेरे हबी को भी बहुत पसंद आया। तो अभी मैं जा रही हूँ माई फेवरेट प्लेस, सही समझा आप सबने, दैट इज ग्रॉसरी स्टोर, क्योंकि कल लाइक हम लोगों ने गेस्ट बुलाया है, तो फॉर दैट यू नो आई विल डू लिटिल लिटिल शॉपिंग, पर कल मैं जो भी खाना बनाऊंगी ना, मैं वो ही खाना बनाऊंगी जो राय खा सके। तो अभी मैं जाती हूँ, लेट मी गो एंड डू ग्रॉसरी शॉपिंग, फिर राय आएगी, फिर मैं जाऊँगी धनतेरस की शॉपिंग करने, क्योंकि धनतेरस से कुछ ना कुछ तो खरीदना है ही धनतेरस के दिन में। एंड या आप सब ने धनतेरस पे क्या खरीदा मुझे कमेंट पे जरूर बताना। तो मेरा ग्रोसरी शॉपिंग हो गया है एंड अभी अच्छा चीज है कि राय कैन हैव पास्ता, कल मैंने थोड़ा घर पे उसको पास्ता बना के दिया था, तो चलो लंच बॉक्स के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा मुझे। अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने एंड यहाँ पे है राय। यहाँ पे है पायल। तो यहाँ पे है राय। सपोज इफ यू आर इन बिग बॉस, हाउ यू विल से यहाँ पे है पायल? राय ने एक ही चीज बिग बॉस से सीखा है अभी, दैट झगड़ा। तो चलिए लेट्स गो, व्हिच मॉल आर वी गोइंग टू? अभी आप लोग ही बताइए व्हिच मॉल एम आई गोइंग टू। बहुत जनों ने सही गेस किया, वो गंदा वाला मॉल। क्योंकि वहां पे चेंज माय स्क्रीन सेवर, या आई विल डू इट देयर ओनली, कैन नाउ वॉच हिम बिकॉज़ ना वहां पे मेसेज है एंड मेसेज में मुझे राय के लिए थोड़ा जैकेट्स देखना है। फाइनली अब जाके हम लोग पहुंचे एंड आज बहुत लाइक रास्ते पे काम चल रहा था, मुझे पता नहीं था, तो हम लोग को घूम घूम के आना पड़ा एंड मैं हर वक्त एक ही जगह पे रखती हूँ, जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो राय को भी नंबर भी याद हो गया कि कौन से पार्किंग प्लेस पे मैं रखती हूँ। तो 10 इयर्स आई यूज्ड टू नेवर कीप इन द सेम प्लेस। कम तो आज बहुत खराब हालत है हम लोगों का, लाइक 10 मिनट्स लगता है वो मॉल जाने में, जाते वक्त मुझे अराउंड 35 मिनट्स लगा एंड आते वक्त भी सेम। तो घूम फिर के मुझे बेड बाथ पे आना पड़ा एंड अच्छा ही हुआ, एक्चुअली मेरे पास कूपन भी था, 20% डिस्काउंट था एंड एक्चुअली मैं मेसेज गई थी टू बाई जैकेट फॉर राय, तो वो मिल गया एंड वहाँ पे मुझे थोड़ा डिस्काउंट भी मिल गया। लाइक ऐसा कार्ड ना हो देन भी वो लोग लाइक डिस्काउंट देते हैं। तो मैं भी जल्दी जल्दी जाऊँगी, आई विल ग्रैब समथिंग, क्योंकि धनतेरस है एंड मैं हर साल में कुछ ना कुछ खरीदती हूँ, तो डेफिनेटली कुछ तो मुझे इस साल लेना है। अभी हम लोग घर आए हैं एंड फ्राइडे आते आते ना राय भी बहुत टायर्ड हो जाती है, वो तो कार में ही सो गई, आके मैंने बोला तुम थोड़ा सो जाओ, तो वो लिविंग रूम में सो गई। एंड यार धनतेरस के लिए मैंने जो खरीदा, मैं बोलूंगी इस धनतेरस को मैंने जो खरीदा वो सब आपका ही डिमांड था, आप लोग ही मुझे हर वक्त बोलते थे, तो वो क्या चीज है मुझे अभी पॉज करके कमेंट पे लिखिए एंड अगर सही होगा तो एक लाइक दीजिए।
आप लोग मुझे हर वक्त बोलते हैं, शायद हर कमेंट में, आज भी इनफैक्ट किसी ने मुझे कमेंट किया कि दीदी मैंने धनतेरस पे वो खरीदा पर तुम्हारा जैसा वो नहीं था, तो वो क्या चीज है जो मैंने खरीदा, मैं अभी आपको बताऊंगी, सस्पेंस पे रखने का क्या जरूरत है। तो मैं लाती हूँ, बट देन ऑल्सो जस्ट गेस ना, जस्ट पॉज करके लिख दीजिए कमेंट पे कि आपको क्या लगता है कि मैंने धनतेरस पे क्या खरीदा। सो ये रहा वो चीज जो मैंने खरीदा धनतेरस के लिए, एंड ये मैं, मुझे तो जरूरत था ही, पर यू ऑल वेर द वन जो मुझे हर वक्त बोलते थे कि पायल ये खरीदो ये खरीदो ये खरीदो। सो मुझे लगता है अब कमेंट सेक्शन में कोई भी वो चीज को लेकर डिस्कस नहीं करेगा क्योंकि वो इतना अच्छा ही है। तो चलिए ओपन करके देखते हैं कि वो चीज क्या है। तो खोल के देखते हैं कि मैंने क्या लिया धनतेरस के लिए। एंड मेरे लिए ना बहुत ही शुभ होता है धनतेरस के दिन अगर मैं किचन के लिए कुछ खरीदूँ तो, एंड बहुत सारा चीज किसी के लिए शुभ होता है, राइट? लाइक मैं बहुत ये सब मानती हूँ, जैसे कि आप लोग कभी भी मुझे नहीं देखेंगे कि मैं घड़ी कभी भी नहीं पहनती हूँ, बिकॉज इट्स नॉट लकी फॉर मी और माई हबी, हम लोग दोनों ही कभी भी घड़ी नहीं पहनते हैं। तो मैंने खरीदा जो आप लोग सब मुझे बोलते ही रहते हैं कमेंट पे कि पायल खराब है खराब है पुराना है पुराना है, प्रेशर कुकर स्टेनलेस स्टील का। आप लोग हर वक्त मुझे कमेंट पे बोलते रहते हैं कि पायल पुराना है पुराना है, एंड एक्चुअली वो एल्यूमिनियम का भी है एंड इट्स नॉट एट ऑल गुड टू यूज एल्यूमिनियम का कोई भी सामान हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए। एक्चुअली वो प्रेशर कुकर मैंने खरीदा ही था कि जब मैं जैसे कि रेसिपी टाइप्स वीडियो बनाऊ तब मैं सिर्फ यूज करूंगी, इसीलिए मैंने खरीदा था। एंड मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, पर ना तब आफ्टर यूजिंग वंस मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मैं ऐसे भी मैं लाइक आई यूज टू डू ऑल्सो इन ए नॉर्मल बेसिस ऑल्सो। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं स्टेनलेस स्टील का लू, एंड आप लोग बहुत जन बोल रहे थे कि पायल जब इंडिया जाओगी तो स्टेनलेस स्टील का खरीद के लाना। अभी कौन इंडिया से इतना बड़ा प्रेशर कुकर खरीद के लाए जबकि यहाँ पे भी मिलता है। तब पहले ना मैं सोच के ही गई थी कि अगर मेसिस पे भी मुझे प्रेशर कुकर मिलेगा तो मैं वो ले लूंगी, पर अच्छा हुआ वहां पे नहीं मिला बिकॉज बेड बाथ पे मेरे पास कूपन था, तो आई सेव्ड अराउंड $17 विच इज गुड, क्योंकि मैं अमेजन से भी खरीदू तो ऐसा ही आता। एंड मुझे लगता है ना धनतेरस के दिन पे एटलीस्ट वी शुड गो टू द शॉप एंड बाई समथिंग। ये ऑनलाइन के जमाने में सब कुछ ऑनलाइन, पर जो भी बोलो मुझे अभी भी लगता है कि दुकान पे जाके कुछ खरीदो उसका मजा ही कुछ अलग है, वेयर वी कैन टच फील द थिंग। तो चलिए देखते हैं कैसा हुआ है। ये जेवर कंपनी का प्रेशर कुकर है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं ये कोई कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, तो मैंने रिव्यू देखा है इट्स गुड। एंड दिस इज अराउंड 5 लीटर, पर ये सबसे छोटा साइज था जो वहां में था। ट्रस्ट में मुझे इससे और बहुत ही छोटा साइज चाहिए था पर मुझे मिला नहीं, तो मुझे लगा चलो मैं ले लेती हूँ। एंड द क्वालिटी इज क्वाइट गुड, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। तो ये अभी देखने में तो अच्छा ही लग रहा है एंड मैं रिव्यू देख रही थी। जब भी आप ऐसे दुकान से कुछ खरीदे ना, अगर आपको रिव्यू देखना हो ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अमेजन पे चली जाती हूँ एंड मैं अमेजन से ही रिव्यू देख रही देख लेती हूँ, क्योंकि बहुत जन लिखते हैं राइट, एक आइडिया हो जाता है। तो सभी लोग बोल रहे हैं अच्छा ही है, फोर स्टार है, तो चलो ठीक है। एंड द प्राइस ऑल्सो मुझे लगा मुझे थोड़ा सस्ता पड़ा है, बिकॉज मुझे कितना पड़ा है, इट वॉज अराउंड $64, बिकॉज मेरे पास $20 का कूपन था, या आई पेड $63, इसका जो मेन प्राइस है दैट इज अराउंड $80। तो अच्छा ही हुआ, चलो धनतेरस के दिन में मैंने थोड़ा पैसा भी सेव कर लिया है। एंड आ गया है नया स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर। तो अभी हम लोग कोई भी मुझे नहीं बोलेंगे कि पायल पुराना है पुराना, ये अभी नया है एंड आप सबके डिमांड पे चलो मेरा धनतेरस के लिए भी मैंने खरीद लिया। तो चलिए अभी मैं बनाऊंगी खाना एंड राइस हो गई है, तो अभी मैं कल के लिए थोड़ा प्रिपरेशन कर रही हूँ, जैसे कि मैं दही वड़ा बनाऊंगी कल। यहाँ पे मैं जीरा रोस्ट कर रही हूँ, तो
मैंने उड़द दाल ऑलरेडी भिगो के ही रख दिया था सुबह में, तो अभी मैं क्या बोलते हैं भल्ले बना के रख दूंगी, लाइक मैं बड़ा बना लूंगी एंड फिर कल बाकी का करेंगे। इस बार मैं बहुत ही सिंपल कर रही हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा बनाओ तो कोई खाता भी नहीं है, तो मैंने लाइक बहुत ही सिंपल मेनू रखा है। तो कल के लिए मैं दही बड़े बना रही हूँ। तो वरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा हल्दी लिया है, फिर थोड़ा सॉल्ट, लिटिल बिट ऑफ रेड चिली पाउडर एंड लिटिल बिट ऑफ जीरा पाउडर एंड थोड़ा हींग मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट टू टेस्ट। हम लोग सब कुछ को मिला के मिक्स करेंगे एंड पर जब आप इसको मिक्स बहुत टाइम तक करना है, मैंने ऑयल भी बिठा दिया है एंड ये वन डिरेक्शन में होगा, लाइक आप ऐसा और ऐसा नहीं करेंगे। सपोज मैं ये लेती हूँ एंड दिस विल बी इन वन डिरेक्शन ओनली, ये एक ही डायरेक्शन में होगा। ये तभी लाइक बहुत अच्छे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एंड मैं वो सभी कर रही हूँ एक्चुअली विच राई कैन हैव, तो ये तो राई अच्छी तरीके से खा सकेगी। एंड हाँ, कमेंट पे जरूर बताना कि आप सब ने दिवाली पे क्या क्या खरीदा और धनतेरस पे भी क्या क्या खरीदा। अभी सच्ची बात बताओ तो हम लोग दिवाली में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दिवाली का कोई गिफ्ट, लाइक दिवाली में ईच अदर से गिफ्ट लेते भी है क्योंकि हम लोग का उससे थोड़ा दिन पहले ही दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा में अच्छा खासा सबका ही खर्चा हो जाता है। मैंने तो इतना दुर्गा पूजा में इतना कुछ लिया है तो दिवाली में मेरा चांस ही नहीं है। एंड बहुत सॉफ्ट हुआ है, आई जस्ट शो यू सी हाउ सॉफ्ट इट इज, कैमरा मुझे फोकस नहीं, बड़े को फोकस करो सी हाउ सॉफ्ट इट इज, तो ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए। बड़े जब ठंडे हो जाए ना, यहाँ पे मैंने गुनगुना गर्म पानी लिया है यानी लुक वार्म वाटर, तो अभी मैं इसमें हींग ऐड कर रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही मैं हींग यूज़ करती हूँ सॉल्ट एंड फिर अभी मैं बड़े को इसको डीप इसमें डीप करके रख दूंगी फॉर अराउंड 20 मिनट्स। यहाँ पे हो रहा है दिया की पेंटिंग, ऐसा ही हर साल थोड़ा लाइक शगुन के लिए मुझे अच्छा लगता है। नया प्रेशर कुकर है, धनतेरस का मौका है तो उसको तो यूज करना ही करना है। तो यहाँ पे ये तो मेरा हाथ नहीं है, हबी और मैं हम लोग दोनों मिलके बना रहे हैं कीमा पुलाव एंड ये रेसिपी मैं किसी और रोज शेयर करूंगी। तो अभी टेस्ट करके देखते हैं कि नया प्रेशर कुकर कैसा हुआ है एंड ये इतना इसका हाइट लाइक ऊंचा है ना दैट आई वाज नॉट एबल टू शो एनीथिंग, लाइक मैं दिखा सकती हूँ ट्राईपॉड और भी लंबा हो जाएगा पर ट्राईपॉड अगर ज्यादा लंबा हो गया देन आई हैव टू टेक मेरा जो वो लैडर है ना, मुझे वो लेना पड़ेगा, वो लेके फिर मुझे जो बटन है वो ऑन करना पड़ेगा। तो होपफुली ये वो लोग बोल रहे हैं बहुत ही जल्दी हो जाएगा, तो लेट मी सी। तो मैंने वड़ा से सारा पानी मैंने निचोड़ लिया है एंड ऐसे अभी मैं कवर करके मैं फ्रिज में रख दूंगी, फिर कल जब मैं दही वड़ा बनाऊंगी तब मैं ऐड कर दूंगी। पर ये खाने में बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत सॉफ्ट हुआ है। अभी टाइम हो रहा है 10:30 एंड राय बोल रही थी ना मम्मी मेहंदी लगाओ, वो तो खुद आके सो गई, फिर वो उठी, फिर वो दिया को कलर करने चली गई। अभी करते करते इट इज़ 10:30 एंड
मंडे टू थर्सडे 10:30 मतलब हम लोग सब लोग मतलब सोने चले गए बहुत जल्दी, 9:30 को ही सोने चले जाते हैं। राय तो 10 बजे तक सो ही जाती है। मैं कभी कभी लाइक आप सबके कमेंट का रिप्लाई विप्लाई करती हूँ, बट 11 o'clock तक मैं भी सो जाती हूँ। बट फ्राइडे ऐसा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लाइक वीक में मुझे लगता है फ्राइडे इज द डे मैं सबसे ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, बिकॉज उसके बाद आता है सैटरडे एंड संडे, तो थोड़ा देर लंबे टाइम के लिए सो सकेंगे। तो अभी मैं नीचे चली जाऊंगी सोने, एंड लेट मी शो यू ऑल कि मैं राय के लिए मैं क्या लाई। मैंने जैकेट ही खरीदा है उसके लिए, क्योंकि ज़रूरत था उसका। अभी कोई भी जैकेट सिर्फ एक या दो जैकेट ही है, बाकी सब छोटा हो चुका है। तो ये एक है, ये बहुत ही अच्छा है मटेरियल, इट्स वेरी सॉफ्ट। तो दिस इज़ वन जैकेट, ये घर में नहीं तो कभी कभी जब बाहर में ज़्यादा ठंड नहीं होगा शी कैन वेयर इट। एंड दिस इज हर मेन जैकेट, ये लंबा भी है तो दिस इज परफेक्ट। ये राय का हो गया, तो अभी मैं ये दोनों जैकेट को लेके चली जाऊंगी नीचे। व्हाट या व्हाई यू आर कमिंग मामा, मेहंदीटा कल के लगाबो है, नाउ इट इज 10:30। तो এখন যদি মেহেন্দি লাগাই দেন ইউ হ্যাভ টু স্লিপ এট 12। কালকে লাগিয়ে দেবো মেহেন্দিটা, আজকে লাগাবে अभी गुस्सा हो गई उसको, उसको आज लगाना था मेहंदी पर। यू नो अभी 10:30 हो चुका है, अभी थोड़ा देर बाद वो सो जाएगी फिर, नहीं तो मैं अभी लगा के दे देती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, एंड राय अभी गुस्सा हो गई क्योंकि मैंने बोला कल मेहंदी लगाऊंगी। तो चलिए विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी दिवाली, खूब मस्ती कीजिए। एंड या डेफिनेटली कमेंट पे लिखिएगा कि मेरा धनतेरस का गिफ्ट आप सबको कैसा लगा, एंड आप सबने धनतेरस पे क्या खरीदा ये भी लिखिएगा। एंड ऐसे मत जाइएगा, इस वीडियो को एक लाइक, एंड जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज फील फ्री टू सब्सक्राइब। सो बाय बाय।